Hello student, today I discuss about extraction metals towards top of the activity series. हमको ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर सिचुएट हो, यानी सक्रियता श्रेणी में जो मेटल सबसे ऊपर सिचुएट हैं उनका एक्सट्रैक्शन आपको यहाँ पर करना है. कैसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, बाय रिडक्शन के थ्रू या फिर बाय ऑक्सीडेशन के थ्रू. तो देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन मेटल टुवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट पर जो सबसे मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनमें सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है. सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर सिचुएट है और इन्हीं मेटल का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर करना होता है. तो यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ये सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है. तो ये अत्यधिक रिएक्टिव होने के कारण, ये अत्यधिक रिएक्टिव होने के कारण यदि इनका हम एक्सट्रैक्शन विथ कार्बन की रिडक्शन करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. यदि सोडियम की ऑक्साइड है, मैग्नीशियम की ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम की ऑक्साइड है, इन ऑक्साइडों का यदि हम रिडक्शन विथ कार्बन करें तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन सारे एल्यूमिनियम मेटल के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं उनका अटैचमेंट कार्बन के थ्रू तो नहीं होता, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के फेवर में होता है. या फिर हम कह सकते हैं कि सोडियम के जो ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, या कैल्शियम के जो ऑक्साइड होते हैं, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनका हम रिडक्शन कार्बन के थ्रू करके इन मेटल को हम ऑक्साइड नहीं कर सकते. और इनका जो अट्रैक्शन होता है वो कार्बन से ना हो करके इनका जो अट्रैक्शन होता है टॉप मोस्ट वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है. इसलिए यहाँ पर हम इन सभी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे बाई इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. अब आपने यहाँ पर एक दिन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या होता है, जब आप मेटलर्जी पढ़ रहे थे तो मेटलर्जी में आपने यहाँ पर दो प्रोसेस पढ़ा था. एक हमारी फिजिकल प्रोसेस था जिसमें आपने क्रशिंग का फोर्स बताया था, एस्ट का पीसना. दूसरा हमारा था कि क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एस्ट का सांद्रण. तो इसमें दो आपने विधियां पढ़ी थी. फिर आपने यहाँ पर पढ़ा था कि कैसे हम मेटल्स के ओर को या फिर ओर से कैसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाई केमिकल प्रोसेस के थ्रू. तो उसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कैल्सिनेशन पढ़ा था, फिर यहाँ पर आपने रोस्टिंग पढ़ा था, फिर आपने यहाँ पर स्मेल्टिंग पढ़ा था, फिर आपने यहाँ पर सिंटरिंग पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपने. फिर वहाँ पर लास्ट में आपने यहाँ पर जो हमारा इम्प्योर मेटल था, इम्प्योर मेटल को आपने प्योर मेटल में कन्वर्ट किया था बाय इलेक्ट्रोलाइट मेथड. तो उसी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो जो इसका एक्सट्रैक्शन होता है, चाहे हम सोडियम के एक्सट्रैक्शन की बात करें, मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन की बात करें, जैसे ही मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या फिर उनके जो क्लोराइड होते हैं, ये एक्वा सोल्यूशन में या फिर मेल्टेड स्टेट में आ जाते हैं, तो कैथोड और एनोड के थ्रू यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस पास कराते हैं ताकि जो एक्वस सोल्यूशन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाए और आपको कैथोड पर मेटल मिल जाए, जबकि एनोड पर जो हमारी गैसेस होती हैं उनके साथ यहाँ पर इवॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाए. तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो सबसे टॉप मोस्ट रिएक्टिव मेटल है लाइक सोडियम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे. तो बाई इलेक्ट्रोलिसिस मेथड सोडियम क्लोराइड जो हमारा सिंपल साल्ट होता है, इसमें रिच अमाउंट में यहाँ पर सोडियम होता है,
कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज द कोर ऑफ सोडियम मेटल। अब इसी सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम को निष्कर्षित करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है जो कि ओर का कार्य कर रहा है, इसका सबसे पहले हम एक सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे ही इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो सोडियम और क्लोराइड अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और ये बनाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन भी इक्वल सोल्यूशन में ही रहता है जबकि क्लोराइड आयन भी इस इक्वल सोल्यूशन में रहता है। जैसे हमने NaCl का इक्वल सोल्यूशन बना लिया, फिर क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे कैथोड पर और एनोड से ऊर्जा बनने के लिए सिटी पास कराएंगे। जो हमारा यहाँ पर कैथोड होता है, इस कैथोड पर जो सोडियम आयन होता है, अब सोडियम आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। जब गेन करेगा तो तुरंत यहाँ पर सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा इसमें सोडियम मेटल। इसी मेटल को आपको यहाँ पर आपने करना था। जबकि जो हमारा क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉसिंग टू इलेक्ट्रॉन, ये सीएन2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा जबकि क्लोरीन गैस के रूप में बाहर चली जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले NaCl का हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही NaCl का एक सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर NaCl अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, बनाएगा ये प्लस और क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन। अब Na प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, चार्ज दिया है, किसको दे दिया है, क्लोरीन को दे दिया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब सोडियम कैसे फ्री होगा, अब यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये रहेगा, यहाँ पर ये सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सोडियम मेटल आपको कहाँ पर मिल रहा है, कैथोड पर मिल रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन मेथड, क्योंकि जितने सारे मेटल आपको मिलेंगे वो रिडक्शन के थ्रू ही मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे, कैथोड पर मिलेंगे। जबकि जो हमारा एनोड था, उस एनोड पर जो हमारा यहाँ पर क्लोराइड आयन था, उस क्लोराइड आयन का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है इस एन2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया बाय लॉसिंग टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन को उसमें लॉस करके क्या कर लिया, अपने क्लोराइड आयन को सोडियम गैस में कन्वर्ट कर लिया। अब जो सोडियम गैस होती है यहाँ से निकल जाती है और आपको जो मेटल आपको अटैन करना था सोडियम मेटल, वो आपको यहाँ से अटैन हो जाएगा। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे, फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड। जो हमारा मैग्नीशियम मेटल होता है उस मैग्नीशियम मेटल को कैसे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के थ्रू अटैन करते हैं। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है दैट इज द कोर ऑफ मैग्नीशियम, इसी मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निष्कर्षित करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मैग्नीशियम क्लोराइड में यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाना होगा। जैसे इसको सोल्यूशन बनाते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में जो मैग्नीशियम है और क्लोरीन है अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा और ये बनाएगा N2+ बनाएगा और यहाँ पर क्लोराइड आयन बनाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा N2+ रिड्यूस होने के लिए क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। जैसे ही Mg2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Mg में रिड्यूस हो जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, कहां पर, कैथोड पर। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम मेटल यहाँ पर आपको मिल गया, लेकिन जो यहाँ पर हमारा क्लोराइड आयन था, एक क्लोराइड आयन का इसमें ऑक्सीडेशन होना है, Cl2 में ऑक्सीडेशन होना है, क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, दो क्लोरीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर दो क्लोराइड आयन है, ये क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। जब किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, जब किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन वहां पर कम है। तो यहां पर दो नेगेटिव चार्ज टू मल्टीप्लाई बाई वन यानी टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस में है। तो क्लोराइड क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन को गेन ना करके क्या करेगा, लॉस कर देगा।
जैसे टू इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा यहां पर तो बन जाएगा किस तरह से तो ऑक्सीडेशन के थ्रू, जो यहां पर क्लोरीन गैस बनती है ये एनओ के थ्रू बाहर निकल जाती है, जबकि आप यहां पर मैग्नीशियम जो मेटल होता है वो कैथोड के ऊपर बाहर निकलने के थ्रू आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे ऑब्टेन होना है, जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया फिर कैथोड और एनोड के थ्रू इसका हमने क्या किया इलेक्ट्रोलिसिस कराया, जिससे हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो कैथोड पर ऑब्टेन हो जाएगा, जबकि एनोड पर जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, कैसे हम लोग एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर करते हैं। एल्यूमिना इज द कोर ऑफ मेन कोर ऑफ रैंडम इज द मेन कोर ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड आउट से आपको एल्यूमिनियम को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा, सेम प्रोसेस करना होगा जो हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले मिल्क स्टेट में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मिल्क स्टेट लाएंगे ये एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैथोड पर जो एल्यूमिनियम आप देखें यहाँ पर एक ऊपर कितना प्लस है स्टेट प्लस है, यानी एल्यूमिनियम के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेगा तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जो एल्यूमिनियम आयन है ये एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा किस प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन के थ्रू, जबकि जो एनोड होता है उस एनोड पर जो हमारा ऑक्साइड आयन है ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा, जो अपना चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लॉस कर देगा और ये ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर बाहर चला जाएगा, जबकि कैथोड पर आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी, इसी कैथोड पर आपको मैग्नीशियम मेटल मिली है और इसी कैथोड पर आपको सोडियम मेटल मिली है। इस प्रकार जो टॉप ऑफ रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम, इसी तरह हम कैल्शियम क्लोराइड से भी कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ में और Cl- में टूटेगा, अब यहाँ पर Ca2+ का यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन होगा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इनटू Ca कहाँ पर कैथोड में होगा, जबकि यहाँ पर क्लोराइड आयन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा Ca2 में। इस प्रकार जो टॉप ऑफ मेटल्स हैं इन एक्टिविटी सीरीज जो हायर रिएक्टिव मेटल है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम इन सब के ऑक्साइड को हम बाई इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू या फिर बाई इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन मेथड के थ्रू इनके ओर से हम क्या कर सकते हैं इनके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मेटल से सोडियम क्लोराइड ओर से आपने सोडियम का एक्सट्रैक्शन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड ओर से आपने मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन किया, जबकि एल्यूमिना यानी कोरंडम से आपने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया, और जितने भी यहाँ पर आपको मेटल मिले हैं वो सदैव सदैव आपको कैथोड पर ही मिले हैं, जबकि एनोड पर आपको यहाँ पर गैसेज मिल गए हैं। तो इस प्रकार से मिडिल टॉप और लोएस्ट जो हमारे मेटल सिचुएट थे इन एक्टिविटी सीरीज में उन सभी का आपने स्ट्रक्चर यहाँ से कर लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इन जो मेटल्स आपको मिले हैं इन मेटल्स का कैसे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे।